और गाइज आप देख सकते हैं ये है हमारा पुराना स्प्रोकेट, ये है हमारा नए वाला स्प्रोकेट, और डिफरेंस आप देख सकते हैं कि ये वाला जो है ना कितना घिस चुका है और ये बिल्कुल अभी ब्रांड न्यू है। ये हमको ब्रास चेन मिलती है और इसमें पेस्ट भी प्री अप्लाइड है। और गाइस यहाँ पर हमारी चेन चढ़ चुकी है, अभी भी जो BS 605 आ रही है उनमें भी जो है ना ये चेन सेट नहीं आया है। इसका एडवांटेज यही मिलता है कि आपको जो है ना एक बाइक की लुक भी मिल जाती है अलग से, और बाकी ये ब्रास कोटेड तो है ही। हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस इस वीडियो में हम करेंगे अपनी बाइक का चेन सेट चेंज, और मेरी बाइक जो है यहाँ पर 24,000 किलोमीटर प्लस चल चुकी है और इसमें जो है स्टॉक चेन सेट ही लगा हुआ है जो हमारी बाइक के साथ आता है। तो इससे पहले जो है हमारी बाइक में कभी भी चेन सेट चेंज नहीं हुआ है, तो ये फर्स्ट टाइम रहने वाला है कि इसमें जो है चेन सेट डलेगा। और चेन सेट कौन सा रहने वाला है वो आपको आगे वीडियो में पता चल ही जाएगा, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। और अभी जो है मैं आपको अपने स्ट्रोक चेन सेट की हालत दिखाता हूँ और उसकी जो है साउंड भी सुनाता हूँ। मेरे चेन सेट से जो है ना आवाज़ भी आने लगी है, जैसे ही मैं अपनी बाइक का क्लच छोड़ के एक्सीलेटर देता हूँ ना, पिकअप देता हूँ मतलब अपनी बाइक को, तो उससे जो है ना मेरी बाइक में कट कट करके एक साउंड आने लगी है, वो भी आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा और इंस्टॉलेशन का प्रोसेस भी इस वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर आपके पास भी अपाचे RT 164 भी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत स्पेशल रहने वाली है, तो देखते रहिएगा वीडियो को एंड तक। तो चलिए सो गाइस पहले अपने रियर स्प्रोकेट की आपको हालत दिखा देता हूँ। हालत कुछ ऐसी है, मतलब कि पिछला स्प्रोकेट तो हमारे ठीक ठाक ही है, पर जो फ्रंट स्प्रोकेट है ना उसमें से साउंड आने लगी है। चेन भी काफ़ी लूज हो चुकी है, मतलब चेन जो है ना बिल्कुल एंड तक पहुँच चुकी है। डिसल जो है ना आप देख सकते हैं कितना पीछे आ गया, और इससे ज़्यादा जो है चेन टाइट नहीं हो सकती। और अभी जो है मैं इसकी आपको साउंड सुनाता हूँ। साउंड जो है ना हमारे फ्रंट स्प्रोकेट से आती है, क्योंकि फ्रंट स्प्रोकेट की जो टीथ्स है ना, जैसे कि आप देख पा रहे हैं अभी ये टीथ ठीक है, मतलब पिछले वाले के तो ठीक ही रहते हैं सभी बाइक्स में, पर फ्रंट वाला स्प्रोकेट जो रहता है ना सभी बाइक का सबसे पहले जाता है, और इसका भी पहले ही गया क्योंकि ये जो है ना हमारे इंजन के साथ जुड़ा होता है और सबसे पहले पिकअप जो है ना हमारी बाइक को यही देता है, मतलब कि रियर टायर को जो है ना हमारे यही घुमाता है छोटा स्प्रोकेट। तो अभी मैं आपको इसकी साउंड सुना देता हूँ। तो जैसी आपने अभी साउंड सुनी वो हमारे फ्रंट स्प्रोकेट की थी, और मेरी बाइक यहाँ पर चल चुकी है 24,000 प्लस किलोमीटर, जैसे कि आप देख सकते हैं 24,636 किलोमीटर जो है ना मेरी बाइक चल चुकी है, और इसमें पहले कभी भी कोई चेन सेट नहीं लगाया है, ये स्टॉक चेन सेट है। और अभी हम इसको किस चेन सेट के साथ रिप्लेस करने वाले हैं वो आपको मैं दिखाता हूँ। सो गाइस चेन सेट रहने वाला है हमारा ये रोल ऑन का BPR किट, जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमको मिलता है ब्रास चेन के साथ, और जैसे कि यहाँ पर बनी हुई भी है। और अभी इसको जल्दी से ओपन कर लेते हैं। तो बॉक्स के अंदर हमको कुछ ऐसा रैप मिलता है, और पहले तो हमारी हमको यहाँ पर चेन मिलती है जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये हमको ब्रास चेन मिलती है और इसमें पेस्ट भी प्री अप्लाइड है। और यहाँ पर हमारा छोटे वाला स्प्रोकेट है और ये हमारी चेन हो गई। और रियर स्प्रोकेट जो है हमारा यहाँ पर हमको मिलता है ब्लैक कलर में, ये आप देख सकते हैं हमको यहाँ पर मिलता है ब्लैक कलर का स्प्रोकेट। जो हमारी बाइक में स्टोक लगा हुआ है वो सिल्वर कलर का है, पर ये ब्लैक में मिलता है हमको। और ये स्प्रोकेट हमको मिलता है 45 टीथ का, जो हमारी स्टोक बाइक में लगा हुआ है अभी इस टाइम वो भी 45 टीथ का ही है। और ये है हमारा छोटे वाला स्प्रोकेट, ये हमको मिलता है 13 टीथ का। और जब भी आप अपनी बाइक का चेन सेट चेंज करेंगे मेक श्योर कि आपकी जो है बाइक वॉश पहले से ही हो रखी हो, मतलब कि आपकी बाइक जो है ना साफ होनी चाहिए। मैंने अभी वॉश कराई है तो जिससे कि यहाँ पर जो है इसमें डस्ट वगैरह सारी निकल चुकी है, जिससे कि इसके जो है ना एक बार चेन सेट पे भी प्रेशर भिजवा दीजिएगा, क्योंकि ये चेन सेट जो है ना चेंज होने वाला है और जो भी इस पर ग्रीस वगैरह होगी वो हमारे हाथों पर कम ही आएगी जब हम इसको निकालेंगे। सो गाइस अब चलते हैं और करते हैं इस चेन सेट को इंस्टॉल। तो चलिए सो गाइस अभी मैं खोलने वाला हूँ अपनी बाइक का रियर टायर, और रियर टायर खोलने के लिए हमको ये एक्सल निकालना पड़ेगा। ये एक्सल का नट निकलेगा हमारा, और ये ब्रेक का रोड भी निकलेगा, और इधर से एक्सल बाहर आएगा जिससे कि हमारा टायर नीचे आ जाएगा। ये तो रियर टायर खोलने के लिए हमको एक 22 नंबर का स्पैनर लगेगा। और अब हम इसकी ब्रेक रोड का नट लूज कर लेते हैं। ये हमारा ब्रेक शू वाला ड्रम होता है, इसको होल्ड करने के लिए हमको यहाँ पर एक रोड मिलती है, तो ये बोल्ट भी हमको निकालना पड़ेगा पहले। और इस नट को लूज करने के लिए हमको 14 नंबर का स्पैनर लगेगा। और अब हम इस टायर हगर को भी निकाल लेते हैं। यहाँ पर हमको 10 नंबर के 2 बोल्ट मिलते हैं और 2 बोल्ट इस साइड मिलते हैं, और ये चारों बोल्ट हम निकालेंगे तो ये हम टायर हगर हमारा बाहर आ जाएगा।
और अब हम अपना व्हील भी डाउन कर लेते हैं। इस एक्सल को हमें निकालना पड़ेगा, ये एक्सल जो है लेफ्ट साइड से निकलेगा। और गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा टायर निकल चुका है और चेन हमने कुछ इस तरीके से अटका दी यहाँ पर। और अभी मैं ये कवर भी खोलने वाला हूँ और कवर खोलने के बाद जो हम इस चेन को निकालेंगे, हमको जो है ये पोर्शन भी खोलना पड़ेगा इसका। ये आर्म जो है पूरी बाहर की साइड आएगी और ये नट लूज़ करने के बाद, उसके बाद ही हमारी चेन निकलेगी। क्योंकि इस चेन में जो है ना हमको लॉक नहीं मिलता, जो हमारी ब्रास वाली चेन है उसमें हमको लॉक मिलता है, पर ये स्टॉक वाली चेन में हमको लॉक नहीं मिलता। तो इस कवर को निकालने के लिए हमको एक गियर लीवर निकालना पड़ेगा अपना, और गियर लीवर के लिए हमको जो है यहाँ पर ये 10 नंबर का बोल्ट मिलता है और यहाँ पर हमको एल की लगानी है। उसके बाद जो है हमको ये यहाँ से एक्सेस मिल जाएगा इस कवर को निकलने का, और यहाँ पर हमको 2 बोल्ट मिलते हैं, एक ये बोल्ट मिलता है यहाँ पर, एक बोल्ट मिलता है। हम जैसे उसको लूज़ करेंगे हमारा कवर बाहर आ जाएगा। और ये हमारा गियर लीवर बाहर आ चुका है। और गाइज यहाँ पर अपना कवर खुल चुका है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे अभी ये टीथ जो है ना कितने घिस चुके हैं हमारे। और अभी आपको रियर स्प्रॉकेट दिखाता हूँ। तो गाइज आप देख सकते हैं ये है हमारा रियर स्प्रॉकेट, और इसमें जो है ना अभी हमारे टीथ काफ़ी बचे हुए हैं, हालांकि ये तीखे हो चुके हैं। जब मैं इस पर उंगली रखता हूँ तो ये हमको, तो ये मेरे को तीखे महसूस हो रहे हैं। और ये आर्म जो है हमारी बाहर आएगी, एक हमको ये लूज़ करने लाए और एक हमको ये एलन की लगानी है यहाँ पर। और गाइज यहाँ पर हमारी आर्म निकल चुकी है, और अब हमको इस कवर को भी रिमूव कर लेना है। यहाँ पर हमको 2 बोल्ट मिलते हैं, एक ये बोल्ट और दूसरा ये बोल्ट, और 2 बोल्ट हमको यहाँ पर मिलते हैं, एक यहाँ पर है और चौथा यहाँ पर। चेन को जो है अब हम सिर्फ स्प्रॉकेट से उतार कर, ये आ गई हमारी चेन बाहर। और इस चेन में जो है ना कोई भी लॉक नहीं है, मतलब कि हम जो है इसको लगे लगाए में ही खोल नहीं सकते, हमको ये सिर्फ ऐसे ही निकालनी पड़ेगी जो प्रोसेस मैंने आपको दिखाया, या हम इसको काट के निकाल सकते हैं। पर काटने के बाद जो है चेन बिल्कुल ही ख़राब हो जाएगी, आप जो है इसको कहीं और भी यूज़ नहीं कर सकते। और गाइस अब मैं स्प्रॉकेट को भी खोल लेता हूँ। स्प्रॉकेट खोलने के लिए हमको यहाँ पर 2 8 नंबर के बोल्ट मिलते हैं, इनको हमको 8 नंबर की गोटी या किसी से भी आप लूज़ कर सकते हैं इसको। और यहाँ पर हमको एक लॉक मिलता है, लॉक निकाल लेना है, उसके बाद जो है हमारा स्प्रॉकेट बाहर आ जाएगा। और गाइज अब मैं स्प्रॉकेट खोलने जा रहा हूँ। स्प्रॉकेट खोलने के लिए मैंने गाड़ी को जो है गियर में डाल रखा है, और इसको मैं 8 नंबर के टूल की मदद से खोल रहा हूँ। और इस लॉक को हमें कुछ ऐसे निकाल लेना है, ये बाहर आ जाएगा। और लॉक बाहर आने के बाद हमको इस स्प्रॉकेट भी ऐसे निकाल लेना है। आप देख सकते हैं स्प्रॉकेट जो है ना कितना छोटा हो चुका है। अभी मैं आपको जो हम रिप्लेस करेंगे नए वाला स्प्रॉकेट, उससे कंपेयर करके दिखाता हूँ इसको। और गाइज आप देख सकते हैं ये है हमारा पुराना स्प्रॉकेट, ये है हमारा नए वाला स्प्रॉकेट, और डिफरेंस आप देख सकते हैं कि ये वाला जो है ना कितना घिस चुका है, और ये बिल्कुल अभी ब्रांड न्यू है। और इस साइड हमको प्लेन मिलती है बिल्कुल, यहाँ पर कुछ भी नंबरिंग नहीं लिखी गई है। इस साइड हमको नंबरिंग मिलती है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है कोड जो भी हमको मिलता है। और ये हमको आगे की तरफ रखना है, और इसको हल्का सा ट्विस्ट करते हुए हमको अंदर धकेल देना है ऐसे। और अब हमको वापस से लॉक लगा देना है इसका। ये रहा हमारा लॉक, लॉक भी हमको कुछ ऐसे लगाना है। यहाँ हमको फ्लैट साइड मिलती है, एक साइड जो है लॉक की फ्लैट होती है और दूसरी साइड जो है लॉक की कर्व होती है। जो कर्व वाला पार्ट है वो हमको आगे की तरफ रखना है।
और गाइज अब हम लगाने वाले हैं इसका रियर स्प्रोकेट, रियर स्प्रोकेट नया लगाने वाले हैं। तो रियर स्प्रोकेट लगाने से पहले हमको इसको वापस से अपने हब में रखना पड़ेगा और उसके बाद हमको ये बोल्ट खोल लेने हैं। अगर आप इसको ऐसे ही खोलने की कोशिश करोगे तो आप जो है ना अपने हाथ वगैरह पर चोट लगवा सकते हो, इसलिए सबसे सेफेस्ट तरीका इसका यही है कि आप जो है इसको ऐसे ही लगाए में खोलें। तो यहाँ पर मैंने 17 नंबर का सॉकेट लिया है और इसको हमको कुछ ऐसे लगा लेना है और ये लगाने के बाद रॉड ले लेनी है जिससे कि हमको अच्छा खासा टॉर्क मिल जाए इसको लूज करने के लिए। और उसके बाद हमारा स्प्रोकेट ऐसे निकल जाएगा। ये है हमारा पुराना स्प्रोकेट, ये है हमारा नया स्प्रोकेट। नए स्प्रोकेट का कलर हमको ब्लैक मिलता है और यहाँ पर ये सिल्वर कलर का है पुराने वाला स्प्रोकेट। तो अब इसको फिट कर लेते हैं और जिस तरफ हमको ये नंबर दिखाई दें, जैसे कि यहाँ पर लिखा है रोल ऑन और यहाँ पर कुछ कोड दिए गए हैं हमको, ये हमको सब बाहर रखना है, मतलब कि हमको जो है दिखना चाहिए। और इसको जो है वापस अपने स्टड्स पर बिठा देना है। स्टड्स के भी जो है ना इसमें खांचे बने होते हैं, कुछ ऐसे फंस जाएंगे ये। और जो प्रोसेस हमने इसको लूज करने के लिए किया था वही प्रोसेस हम सेम इसको टाइट करने के लिए करेंगे। हमको एक क्रॉस पैटर्न में टाइट करना है, जैसे कि मैंने अब ये वाला टाइट किया, अब मैं ये वाला टाइट करूँगा, फिर मैं ये वाला करूँगा। क्रिस क्रॉस पैटर्न में जो है ना हमको एक टाइट करने चाहिए। और यहाँ पर हमको एक सील बैरिंग मिलता है, इस पर भी हमको थोड़ी सी ग्रीस अप्लाई कर लेनी है इसको साफ करने के बाद। और रियर टायर इंस्टॉल करने से पहले मैं अपने एक्सल पर ग्रीस लगा रहा हूँ, जो पुरानी ग्रीस थी वो मैंने सारी पोंछ डाली, साफ कर दी और अब मैं नई ग्रीस ले रहा हूँ इस पर, जिससे कि इसमें रस्टिंग वगैरह की प्रॉब्लम ना हो और जब हमें कभी फ्यूचर में एक्सल दोबारा निकालना पड़े तो आसानी से निकल जाए। और यहाँ से मैं हल्का सा एक्सल अपना अटका देता हूँ कुछ ऐसे, जिससे कि हम जब इसमें टायर लगाएंगे एक्सल को जो है ना आगे धकेल दूंगा, जिससे कि हमारे टायर के अंदर चला जाएगा। और हमको अपने टायर और एक्सल को कुछ ऐसे मिलाना है और एक्सल को जो है हमको कुछ ऐसे धकेल देना है ऐसे कुछ। और अब हमको ये ब्रेक शू वाला ड्रम फिट करना है। और इस बीच हमको यहाँ पर स्पेसर लगाना पड़ेगा एक, ये वाला, क्योंकि मेरी बाइक ड्रम वर्जन है तो मैं पहले ये वाली रोड लगा लेता हूँ जो हमारे ड्रम को होल्ड करेगी। और यहाँ पर मैंने नट लगा दिया, अभी मैं इसको टाइट कर लेता हूँ। टाइट करने के बाद हमको यहाँ पर एक पिन भी लगानी पड़ेगी जिससे कि ये नट प्रॉपर तरीके से लॉक हो जाए, कुछ इस तरह की जो है हमारी ये पिन होती है। और यहाँ पर हम वापस से अपना एक्सल वाला बोल्ट लगा लेते हैं, इसको टाइट नहीं करेंगे अभी, लूज ही रखेंगे। और गाइस यहाँ पर हमारी चेन चढ़ चुकी है बिना लॉक के लिंक को निकाले हुए, ये हमारा लॉक रहा जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। और इसको निकाले बिना ही हमने ये चेन ऐसी चढ़ा दी जैसे हमने पहले वाली स्टॉक वाली निकाली थी। और अभी मैं इसको टाइट कर लेता हूँ, जो प्रोसेस हमारा निकालने वाला था वही सेम प्रोसेस अपोजिट हमारा लगाने वाला है इस चेन को। चेन टाइट कर लेता हूँ और जो जो हमने सामान निकाला था वापस से फिट कर देता हूँ और उसके बाद जो आपको इसका रिव्यू देता हूँ एक। सो गाइस यहाँ पर अपनी बाइक की फिटिंग पूरी कंप्लीट हो चुकी है और अब मैं आपको अपनी चेन दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं चेन का कलर जो है ना अलग ही है, मतलब कि नॉर्मल अपाचे से तो अलग ही है। और अभी भी जो BS6 अपाचे आ रही है उनमें भी जो है ना ये चेन सेट नहीं आया है, तो इसका एडवांटेज यही मिलता है कि आपको जो है ना एक बाइक की लुक भी मिल जाती है अलग से। और बाकी ये ब्रास कोटेड तो है ही, और इस चेन में सिलिकॉन पेस्ट पहले से ही प्री अप्लाइड था तो अब हमारी बाइक जो है चलते हुए आवाज़ भी नहीं करती। स्टार्ट करके दिखाता हूँ एक बार बाइक, और फिफ्थ गियर में डाल देता हूँ मैं बाइक को। आप सुन सकते हैं कि आवाज़ जो है ना अभी बहुत कम है, मतलब कि चेन की नॉइज़ तो हमारी बहुत ही कम है क्योंकि
क्योंकि इसमें सिलिकॉन पेस्ट पहले से ही प्री अप्लाइड आया था और मैंने इसको ल्यूब भी नहीं किया, तो अभी कुछ दिन मैं ऐसे ही रखने वाला हूँ इसको, जो इसमें प्री अप्लाइड पेस्ट आया था मैं इसको ऐसे ही चलाने वाला हूँ। जब ये थोड़ा कम हो जाएगा या हमारी चेन वाज करने लगेगी तब मैं इसको क्लीन करके वापस से ल्यूब कर दूंगा किसी अच्छे ल्यूब के साथ। और अब चलते हैं अपने वीडियो के एंड की तरफ, और इस चेन सेट का लिंक मैं आपको वीडियो के नीचे दे दूंगा, जिनको भी ये चेन सेट बाय करने को रहेगा आप जो है वहाँ से जाके चेन सेट बाय कर सकते हैं अपनी अपाचे के लिए या फिर किसी और बाइक के लिए भी आप वहाँ से कर सकते हैं। सो गाइस आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।